जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस बार 2022 की थीम रखी गई है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो आज इस अवसर पर हमारे साथ शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP गौतम सर हैं, जिनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित हमसे जो अहम जानकारियां हैं वो साझा करें। सर बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, आज के दिन हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो जिसको WHO कहते हैं, वो आज के दिन उसका स्थापना हुई थी। ये 1948 की बात है। 1950 में आज का दिन 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया। तब से हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। 2022 में आज का जो आपने बताया, हम भी जानते हैं कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, साथ ही साथ हम ये भी मना रहे हैं अमृत योग, इसको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। और आज के दिन हम लोगों ने एक गोष्ठी आयोजित की जिसपे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि छुटी हुई हैं और हमारी पॉपुलेशन को बहुत प्रभावित कर रही है, जैसे कि फाइलेरिया है और कालाजार है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम जानते तो हैं लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। इससे पॉपुलेशन बहुत प्रभावित होती है, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इससे भी निजात पाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज से मिल के उसकी परचर्चा रखी है और उसमें सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज के आए, उसमें सब भाग लिया, सभी जानकारी दी और उसको ले जाके वो जनता में उसका सदुपयोग करेंगे, उसे निजात पाएंगे। तो सर क्या अभी आप जागरूक करेंगे, क्योंकि ये जो बीमारी आपने बताई कालाजार, इसके बारे में शायद ही कोई जानता भी होगा कि ये बीमारी क्या है, तो आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके बारे में जो हमारा ये संचारी रोग अभियान चल रहा 2 तारीख से 30 अप्रैल तक, इसमें हम पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम, झाड़ियाँ कटवाना, वाटर लॉगिंग प्लेस पर जो है ब्रीडिंग को जो है समाप्त कराना, वहाँ पर तेल डलवाना और साथ ही साथ सफाई कराना, इस प्रकार के कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ उसको सफाई करवाना, ये हर विभाग को काम दिया गया, वो अपने अपने स्तर से कर रहा है। साथ ही साथ 15 तारीख से हम ये जो है दस्तक अभियान चला रहे हैं जिसमें घर घर टीमें जाएंगी और सभी से चर्चा करेंगी, इस बारे में प्रचार भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो मरीज हैं, जैसे TB है, कोविड के हैं, खांसी के हैं, बुखार के हैं, डायरिया है, उल्टी दस्त के हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को टीकाकरण जिनको नहीं लगा, उन सबको शामिल करते हुए जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उनको साथ में जोड़ते हुए इसका प्रचार करेंगे और जाके उसका टीकाकरण करेंगे और इनलिस्ट करेंगे जो बच्चे हुए छुट्टे हुए बच्चे हैं उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। साथ साथ ये भी बता दें, हमारे जनपद में 12 से 14 वर्ष तक के जो कोविड टीकाकरण चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। हमने जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हमारे यहाँ अच्छा वैक्सीनेशन हो गया। आज हम उसी को मनाते हुए कि आज जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस है, आज हम मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मना रहे हैं, जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको सबको टीकाकरण लगा रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसी कौन सी बीमारियां जो अधिक प्रसार में है? वर्तमान समय में अब जो गर्मी का सीजन आ रहा है और इसमें कुछ बीमारियां ऐसी है उनका संक्रमण बहुत तेजी से होता है, जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, कालाजार है, साथ साथ में उल्टी दस्त के मरीज हैं, कुछ और भी बीमारियां बुखार के हैं, वायरल हैं, ये सब चालू हो जाते हैं। इसके बारे में भी उनको जागरूक कर रहे हैं कि इससे बचें, साफ सफाई रखें और खाना भी भोजन भी समय से लें और संतुलित भोजन लें, सब जगह भोजन भी न लें कि जहाँ मक्खियाँ लग रही मक्खियों से दूर रहे, अपना कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें क्योंकि ये नया वेरिएंट आया है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि अभी हम उसे वो समाप्त नहीं हुआ है, वो कभी भी हमारे स्वास्थ्य को हमारे जनपद में आ सकता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का भी प्रचार कर रहे हैं कि उसको डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क जरूर लगाएं, ये उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार है। इसको अगर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेते तो अच्छा रहेगा कि इसके साथ साथ में और भी खांसी बीमारी, सांस से संबंधित बीमारी उनसे बचेंगे, जैसे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत सारी बीमारी जो छुआछूत से होती है, छूने से होती है, उनसे बचेंगे और जो मास्क लगाएंगे उससे जो सांस बीमारी है, सांस लेने से अंदर
श्वसन क्रिया से चली जाती हैं और बीमारी का रूप ले लेती हैं, उनसे भी बचेंगे। तो ये और साथ में हैंड सैनिटाइज करेंगे, हाथ धोएंगे, तो जो कुछ कंटामिनेशन खाना ना खाते हैं तो उसमें जो कंटामिनेशन से जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचेंगे। तो ये चीज एक बहुत अच्छी चीज है जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और हैंड सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से सभी को कहना है, सब इसका प्रयोग करें और स्वास्थ्य बना रहे। सर, कोविड के टाइम से जब से बच्चे जो घर में कैद हो गए, उनकी स्कूलिंग जो मोबाइल फोन से होने लगी, इससे उनके मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो अभी आप सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उनके स्कूल खुले हैं, तो जिन चीजों से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, इसके लिए हम जरूर कहेंगे कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाएं, मास्क लगाएं और हाथ को समय समय पर धोते रहें। और स्कूल जाने की प्रक्रिया है, अच्छी बात है कि स्कूल में जाए, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, जो टीचर उनको बताएं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, देखें और उसको ग्रहण करें। तो ये स्कूल जाने के लिए जो बच्चों की एक लगन भी है कि बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब उनको खुशी मिली है कि स्कूल जाएंगे और बच्चे एक दूसरे से अपने मित्रों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, टीचर उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो एक अच्छी बात है। इसका लेकिन इन चीज़ों का कोई प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। सर, कुछ ऐसे सुझाव आप देना चाहें जो लगभग अभी जो बीमारियाँ चल रही उनमें कुछ हद तक घरेलू उपाय भी जिनसे हम निजात पा सकते हैं? हाँ, घरेलू उपाय हैं तो जैसे ये है कि खाना बासी ना खाएं, हाथ खाना खाने से पहले हाथ को जरूर धोएं, अगर शौच करने जा रहे हैं तो उसके बाद में हाथ जरूर धोएं, साबुन से धोएं, साबुन नहीं ऐसी चीज से धोएं जैसे देहात में नहीं साबुन इसके पास में राखी से धो लें, तो इस प्रकार के जो है इसको करना आवश्यक है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। इसका प्रयोग करेंगे, अच्छा लाभ उठाएंगे, स्वास्थ्य लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमारे साथ थे शाहजहांपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने अहम बातें हमारे साथ साझा की हैं, आपको जिनसे घरेलू उपाय भी आप इस्तेमाल करके कुछ हद तक कुछ बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।